हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3। सो नाउ नेक्स्ट इज, हमने लास्ट कैपेसिटर पढ़ा था, अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी, नेक्स्ट इज क्यू स्क्वेयर बाई 2C, एंड थर्ड इज हाफ सी वी स्क्वेयर। तो ये एनर्जी के ये तीन फॉर्मूलाज हैं। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स। अगर यानी यही दो कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स हैं, इन पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वेयर बाय डी। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रेजिस्टर को कैसे सीरीज में लगाते हैं, लेकिन फॉर्मूला उल्टा लगेगा। यहाँ पे जो पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो यहाँ लगेगा, मतलब द टोटल रेजिस्टेंस 1/CS विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस .. 1/CN। ओके, जैसे वहां पे सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे क्या सेम होगा, Q, मतलब चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज डिफरेंस, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो होगा वो V2 होगा, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस .. VN। अगर सपोज हमने N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में लगा दिए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी C बाय N, एंड एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V' दैट विल बी टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो हमने कनेक्ट किए। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो C इक्विवेलेंट की हमारी वैल्यू आएगी, ये जो सबसे छोटा वाला कैपेसिटेंस होगा ना, उससे भी कम होगी। सो इट विल बी स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने लगाया यहाँ पे कैपेसिटर्स को पैरेलल में, तो यहाँ पे सीरीज वाला आ जाएगा, मतलब CP इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस .. CN। यहाँ पे क्या सेम होगा, यहाँ पे हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, मतलब V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3 विल बी इक्वल टू V। और जहां पे वैसे करंट ब्रांच हर एक ब्रांच में अलग अलग होगी, यहाँ पे चार्ज भी अलग अलग होगा। सो नेट चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस .. QN। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज हमने N कैपेसिटेंस सबका सेम है, तो N कैपेसिटर अगर हमने लगाए सबके कैपेसिटेंस सेम है, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी N इनटू C। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और एक फॉर्मूला दे रही हूँ, दैट इज कैपेसिटेंस पैरेलल। अगर हमने N कैपेसिटेंस पैरेलल कनेक्ट किए हैं और N कैपेसिटर्स ही हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, सो दिस विल बी NC अपॉन C बाय N। NC कैसे आया, पैरेलल का हमारा फॉर्मूला NC और सीरीज का हमारा फॉर्मूला C बाय N, तो ये C और C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, N2। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल जो बैटरी का होगा वही होगा, सो द पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता है अगर हम स्लैब डालते हैं, डाई इलेक्ट्रिक डालने से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। व्हाट विल हैपन विद द चार्ज, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज सी इंटू वी। अगर हमारा सी इंक्रीज होगा, वी तो कॉन्स्टेंट है तो क्यू भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चार्ज विल इंक्रीज। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट है बट सी इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वी बाई डी। अब वी इज द पोटेंशियल एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये दोनों भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है कि हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब तो डाला है लेकिन बैटरी को ही डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब बैटरी हमारी चली गई। अगर हमारी बैटरी चली गई तो क्या हो जाएगा, अब जहां से वो चार्ज लेता था वो सोर्स ही खत्म हो गया, जिसके वजह से क्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। उसके बाद कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक डालने से बढ़ जाता है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। फिर वी इज क्यू बाई सी, क्यू इज कॉन्स्टेंट बट सी इंक्रीजेस, सो सी इंक्रीजेस सो पोटेंशियल विल डिक्रीज। नेक्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इज क्यू स्क्वायर बाई 2C, अगेन क्यू इज कॉन्स्टेंट बट सी इज इंक्रीजिंग सो एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वी हमारा डिक्रीज हो रहा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो डिक्रीज। ये डायरेक्ट आपको MCQs के लिए याद रखना है।
ओके अब ये नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास दो स्पीयर्स है। ये जो स्पीयर है इसका रेडियस है आर वन, इसका चार्ज है क्यू वन, कैपेसिटेंस सी वन, पोटेंशियल वी वन एंड एनर्जी यू वन। ये दूसरे वाले का चार्ज क्यू टू, सी टू कैपेसिटेंस, वी टू इज द पोटेंशियल एंड यू टू इज द एनर्जी। अब क्या बोला है कि पहले दोनों के पास चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज द सम विल बी क्यू वन प्लस क्यू टू। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, मतलब एक से चार्ज दूसरी जगह जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। हो सकता है एक का पोटेंशियल ज्यादा हो, दूसरे का पोटेंशियल कम हो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग अंटिल एंड अनलेस द पोटेंशियल बिकम सेम। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल वी, इसका भी पोटेंशियल वी। तो अब इसके पास मान लेते हैं जो करेंटली चार्ज है दैट इज क्यू वन डैश, और इसके पास जो चार्ज है दैट इज क्यू टू डैश। तो ये जो चार्ज का रेशियो है क्यू वन डैश बाई क्यू टू डैश इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब ये कैसे आया, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू वी, दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। तो क्यू वन डैश बाई क्यू टू डैश इज सी वन बाई सी टू, सी चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ये जो सी है ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, ये बॉडीज पे डिपेंड करता है, और बॉडीज सेम है तो सी वन बाई सी टू। और सी का फॉर्मूला हम लोग ने किया हुआ है फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसलिए इट इज डिपेंडिंग ऑन आर, तो ये हो जाएगा आर वन बाई आर टू। क्लियर, ओके। उसके बाद हम डायरेक्ट, अगर आपको पूछ लिया कि बाद में वो फर्स्ट बॉडी का चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू Q, दैट इज द टोटल चार्ज, रेडियस ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन टोटल रेडियस ऑफ बोथ द बॉडीज इनटू द चार्ज। नेक्स्ट Q2 डैश बिल्कुल इसी तरह से R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू Q। उसके बाद जो कॉमन पोटेंशियल दोनों का हो जाएगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। फिलहाल मैं आपको बोलूंगी कैसे ये डिराइव हुआ, उस पर आप लोग मत जाइए, आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि ये हमारा रिजल्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला फिलहाल के आप याद रख लीजिए। उसके बाद डिफरेंस इन द एनर्जी, ये भी खाली एक लास्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू वी वन माइनस वी टू द होल स्क्वायर। ओके, ये थोड़े मैंने दो फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा बता दिए हैं, ये वाला आप एक याद कर रहे हैं, ये कभी कभी बोलो पूछ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।